अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कि आप अपने जो चैनल के 1K सब्सक्राइबर और 4000 आवर का जो वॉच टाइम है वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ इस टाइम काफ़ी सारे जो ना नए यूट्यूबर्स लिंक हैं, जो मुझसे काफ़ी सारे जो ना इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं और मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि बिलाल भाई, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसका जो हम वॉच टाइम है वो हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं जल्द से जल्द, और हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई ट्रिक्स है या इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम गूगल से प्रमोट करवा लें अपना चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना चैनल 2020 में क्रिएट करते हो या आप अपना चैनल को 2020 में लेके आए हो तो आप जो अपना वॉच टाइम है और जो 1000 सब्सक्राइबर है वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो आज की वीडियो यही है। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर्स हो तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लें, और अगर आप ऑलरेडी बिग यूट्यूबर हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। जो भी मैं आपको इस वीडियो में टॉपिक बताऊंगा वो आपकी जो हेल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि पहली बात मुझसे ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिलाल भाई, क्या हमारा जो 2020 में यूट्यूब चैनल है वो ग्रो हो सकता है, या हम 2020 में यूट्यूब चैनल बनाएँ तो क्या वो चलेगा। ठीक है, इसकी क्या वजह है, वो क्यों ये पूछते हैं। वो इसलिए इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं कि YouTube के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं तो उनको ये लगता है कि हमारी जो वीडियो है वो YouTube के ऊपर चलेंगी नहीं। ठीक है, तो यार जितना ज़्यादा कंपटीशन है उतनी ज़्यादा YouTube के ऊपर ऑडियंस भी मौजूद है। अगर आप देखोगे क्रिएटर की तादाद बढ़ रही है तो देखने वालों की तादाद भी YouTube के ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। हाँ, ये बात है कि कंपटीशन आपका इस लेवल तक है कि जो आपके मुकाबले के यूट्यूबर हैं उनसे अच्छा आपने करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और आपने ये नहीं डरना कि यूट्यूब के ऊपर चैनल बहुत सारे बन गए हैं तो हमारा चैनल ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, आप बिल्कुल आओ YouTube के ऊपर, अपना एक अच्छा सा कंटेंट लेके आओ ताकि आपका कुछ यूनिक हो और जिससे YouTube आपके चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करेगा। ठीक है, तो रही बात कुछ क्वेश्चंस की कि जो नए हैं यूट्यूबर्स हैं वो YouTube के ऊपर आराम से आए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि हम जो अपना 1000 सब्सक्राइबर और जो 4000 आवर्स का वॉच टाइम है वो हम कैसे कम्प्लीट कर सकते हैं 2020 में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मसला है और ये बहुत बड़ा एक समझा जाता है कि इशू है कि हम जो 1000 यार सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम है वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये एक छोटा सा मसला है, और अगर इसको ज़्यादा देखा जाए तो ये लंबा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि अगर आपकी कोई एक वीडियो भी वायरल हो जाए, यानी कि अगर आपकी वीडियो 5 मिनट की है वो 1 लाख जो व्यूज़ लेके आ जाए या 50,000 व्यूज़ लेके आ जाए, अगर उसको कोई 2-3 मिनट वॉच करता है तो आपका ये आसानी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल का बाइस बनता है। ठीक है, तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बिलाल भाई, अगर हम अपने चैनल को गूगल एडवर्टाइजर से प्रमोट करवा लें तो क्या हमें उसका जो वॉच टाइम है वो काउंट होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल को पैसे दे के अपना चैनल प्रमोट करवाते हो तो जो आपका वॉच टाइम है वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो वैसा आप बिल्कुल ना करें। आप कैसे अपने वॉच टाइम को जो ना कंप्लीट कर सकते हो एक अच्छे तरीके से, इसके लिए कोई भी फास्ट ट्रिक नहीं है। जैसे कि आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर बताते हैं कि आप वॉच टाइम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, आप वॉच टाइम को 1 हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वो कोई भी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताऊँगा, और ना ही ऐसी ट्रिक को यूट्यूब के ऊपर होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बातें होती हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा वो माइंड करने के लिए अपनी तरफ और कुछ व्यूज देने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। तो मैं आपको जो बात है वो क्लियरली बताऊंगा कि ऐसा कोई भी आसान तरीका नहीं है कि जो आपकी वीडियो एक दफ़ा क्लिक करो तो वो वायरल हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा कोई तरीका होता तो मैं खुद की वीडियो भी ऐसे वायरल कर लेता, वो भी यूट्यूबर है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको जो ना कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियो को रेगुलरली अपलोड करना होगा। ठीक है, और सबसे जो मेन चीज़ है 2020 में आपकी वीडियो को वायरल करने के लिए, आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है आपका वॉच टाइम। ठीक है, अगर आपकी वीडियो के अच्छा वॉच टाइम अच्छा आ रहा है, ऑडियंस टेंशन आपकी वीडियो के ऊपर अच्छा आ रहा है, तो आपकी वीडियो 100% वायरल होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है तो आपका वॉच टाइम, आपके सब्सक्राइबर, सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है, तो आपने टेंशन लेंगे कोई बात नहीं, आप इजी होकर यूट्यूब के ऊपर काम करते रहे, रेगुलरली काम करते रहे, इंशाल्लाह आपका जो ना जल्दी से जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
और आपने कोशिश करनी है कि आपने इस चैनल को आपने जो वर्क करना है वो इस तरह करना है कि अगर आप स्टार्टिंग से यूट्यूब के ऊपर आए, पहले तो आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, उसी हिसाब से आपने चलते रहना है। उसमें आपने देखना है कि इस टॉपिक में ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है आपने उसको जल्दी से पिक करना है, उसकी जल्दी से वीडियो बनानी है। जो भी यूट्यूबर हैं उनसे पहले कोशिश करें कि आप वीडियो बना लें, क्योंकि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आए लोग उसके ऊपर सर्चेज भी करते हैं, लोग उसको देखते भी हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो वायरल होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो बना देते हो आपकी वीडियो वायरल निकल जाती है, तो आपका वॉच टाइम 1000 सब्सक्राइबर सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। तो ऐसा शॉर्टकट में कोई भी तरीकाकार नहीं है जो आपकी वीडियो को वायरल करवा सके। तो बस एक यही मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube के ऊपर आए हो, अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे तो आपको YouTube के ऊपर कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे, आप आस्ता आस्ता डिमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे, बोलोगे यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो यार ऐसा आप नहीं करो। आप बस अपना ध्यान जो ना अपने कंटेंट के ऊपर डालो, ठीक है, आपका एक ना एक वीडियो यूट्यूब वायरल कर देगा और आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो आप बेकार की वीडियोज़ देखते हो कि 10 दिन में वॉच टाइम कंप्लीट, 5 दिन में वॉच टाइम कंप्लीट, इन्होंने खुद भी नहीं किया होता, बस ये ऐसे वीडियो बना देते हैं। तो आज के बाद मेरा छोटा सा ये टॉपिक है। तो बस अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।